और बात सूरजपुर की होगी, जहां पर द्वारकापुर पंचायत के ग्रामीण राशन दुकान संचालक की मनमानी और भ्रष्टाचार से खासे परेशान हैं। यहां मात्र हितग्राहियों के नाम पर राशन का वितरण किया जा रहा है, वहीं योग्य हितग्राहियों को राशन नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत कलेक्टर से की है। ग्रामीणों का आरोप है कि शासकीय राशन दुकान संचालक राशन बांटने में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि राशन दुकान संचालक प्रगति सहायक समूह द्वारा किया जा रहा है। समूह द्वारा हितग्राहियों को पूरा राशन नहीं बांटा जा रहा और बांटने के लिए अवैध वसूली कर रहे हैं। राशन की कालाबाजारी हो रही है। फिलहाल मामले में जिला पंचायत सीओ ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। किसी से 5 रुपए लेना था, किसी से 15 रुपए, किसी से 10 रुपए, लेकिन सभी से एक समान पैसा लिया गया है। किसी से 50 रुपए, किसी से 110, 120, 195 रुपए तक लिया गया है। और लिस्ट में हम लोग का 35 किलो चावल लेना था और 5 रुपए देना था, तो हम लोग से 70 रुपए ले लिए। द्वारका नगर के उस ग्रामीण द्वारा ये शिकायत करी गई है कि उनके डीडीएस से जो खाद्य वितरण हो रहा है उसमें कुछ अनियमितताएं आई हैं, तो इसकी हमने जांच के लिए खाद्य अधिकारी को निर्देशित कर दिया है।